हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, मैं दो दिन से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब था। एंड आप लोग देख रहे होंगे मैं पूरा ऑयल डाली हुई हूँ हेयर पे क्योंकि मेरा बहुत सर दुख रहा था। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड बहुत ज़्यादा ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोग ने ऑलरेडी थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि क्या वीडियो होने वाला है। तो गाइस, आज मैं फाइनली आप लोगों के साथ मेरा होम टूर का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। हर एक वीडियो के नीचे कमेंट आ जाता था, प्लीज़ मेक ए होम टूर, होम टूर, होम टूर। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं आप लोगों के साथ मेरा होम टूर का वीडियो शेयर करूँगी। एंड गाइस, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये मेरी ओरिजिनल होम नहीं है। मॉम डैड यहाँ पे जॉब करते हैं, ये गवर्नमेंट का क्वार्टर है, तो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान रखना। तो छोटा फूटा क्वार्टर से है जैसा रहता है गवर्नमेंट क्वार्टर, क्योंकि बहुत दिनों से इसका मतलब लाइक कोई कलरिंग होना, रिपेयर करना कुछ नहीं होता है, तो थोड़ा डैमेज हो चुका है, ऑलमोस्ट सब डैमेज हो चुका है। बहुत पुराने घर रही है सब क्योंकि गवर्नमेंट का, एंड यू नो गाइज गवर्नमेंट का रूल कैसा होता है। चलिए गाइज, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा घर। गाइज़, ये देख लीजिए, ये जो ग्रीन कलर का गेट है वो हमारा है, एंड ऊपर ऐसे फूल का सारे हैं, एंड ये वहाँ तक है कॉर्नर उधर, और ये सारे जो गार्डन एरिया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हर वीडियो में। और पीछे भी जो मेरी जो फेवरेट प्लेस है आप लोगों को बताती हूँ उधर से जाके है, तो ये कुछ ऐसा है। तो चलिए चलते हैं अंदर, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बाहर का दिखा देती हूँ। यहाँ पे चार खिड़की लगी हुई है, जैसे जनरली जैसे क्वार्टर्स रहते हैं वैसे, और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फूल भी हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस, अंदर आने पे ये एक रूम है, और मतलब ये वाला एक रूम है, और ये बेडरूम है हमारा जो कि लाइट ऑफ है, मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देती हूँ। ये बेडरूम है, और इधर कूलर है, इधर फ्रिज है, और यहाँ सारे मेरे बुक्स वगैरह, और इस वाले ये वाला जो रूम है यहाँ पे भगवान जी है, पूजा वगैरह होता है। फिर उसके बाद गाइस इधर आओगे तो मतलब यहाँ पे मशीन वशीन रखा हुआ है, ये किचन रूम है, देख लीजिए यहाँ पे सारा मसाला वसाला रखा हुआ है। और उसके बाद ये बाथरूम है, और जनरली हम लोग सब कुछ बाहर ही कर लेते हैं। और ये तो मैं पीछे का दिखाई हूँ, यहाँ पर पानी वानी रखते हैं। और ये पीछे का कुछ है, वो वाला गैरेज है, वो बाथरूम है। और इधर से भी दिखा लेती हूँ, यहाँ पे पानी वानी रखा हुआ है। और मैं किसी दिन मतलब प्रॉपर पीछे का जो क्या बोलते हैं गार्डन टूर दिखा दूँगी। ये कुछ पीछे का ऐसा एरिया है, वो पीछे का गेट है, उधर से भी जाना आना कर सकते हैं। सो गाइज, ये हो गया अंदर का पार्ट, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का, जो कि मेरी फेवरेट जगह है। एंड आई नो आप लोग उस जगह को बहुत बार देख चुके वीडियो में, लाइक 100 times ऊपर देख चुके, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि आज होम टूर करा रही, तो सब कुछ दिखाना बनता है। ये देख लीजिए, इधर से जाने के बाद ये आता है जो पूरा पीछे का बैकग्राउंड जो मैं बोली थी। इधर भी एक छोटा सा खिड़की है, एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये पूरा वायर का मतलब वो किसी दूसरे का घर है, मेरे नेबर्स का। और ये देखिए, ये देख लीजिए ऐसे दीवार है, और यहाँ पे, और फिर यहाँ पे पीछे से गेट है जो कि मैं आप लोगों का भी जस्ट दिखाई थी, एंड पीछे से कुछ ऐसा दिखता है घर। बस ये पूरा एग्जैक्टली जैसे रेलवे क्वार्टर्स रहता है, या फिर मतलब अगर आप रायपुर तरफ से हैं तो वहाँ पे जैसे भिलाई में क्वार्टर्स रहता है आरएसपी का, ये भी एग्जैक्टली आरएसपी स्टील प्लान का क्वार्टर्स है। क्योंकि मतलब हम लोग तो गवर्नमेंट वाले हैं, तो यहाँ पे क्वार्टर्स खाली था तो मिल गया, क्योंकि यहाँ मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, स्कूल में टीचर है मम्मी पापा, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, इसीलिए हम लोग इस क्वार्टर में रहते हैं। और ख़ुद के घर है बट वहाँ पर जाते नहीं, अब मॉम डैड यहाँ पर रहते तो मैं अकेले वहाँ पर जाके क्या करूँ, इसलिए मैं हर वैकेशन में यहाँ पर ही आ जाती हूँ। एंड मैं यहाँ बचपन से पली बढ़ी हूँ, पूरा चाइल्डहुड मेरा यहाँ बीता है, लाइक हम लोग के क्वार्टर में एटलीस्ट 18 years से एवब हो गया, यहीं पे हम लोग हैं क्योंकि मम्मी पापा का जॉब यहीं पर है। तो और गाइज, ऐसा तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं, बस ये सब हो गया। एंड मैं मतलब थोड़ा ऊपर से दिखा रही क्योंकि मम्मी पापा घर में थे, काम कर रहे थे, सर्वेंट आंटी भी थी काम कर रही थी, इसलिए मैं बस आप लोगों को थोड़ा क्लियरली नहीं दिखा पाई। और बाकी सारा गार्डन वगैरह है जो कि बहुत सारे मतलब गार्डन्स है। ये भी एक प्लांट है, देख लीजिए, आउच, ये भी एक प्लांट है बड़ा सा, देख लीजिए। तो गाइस, खिड़की की हालत देख रहे हो, यहाँ पे ना कलरिंग होती है ना रिपेयर होता है, बहुत सालों से ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ है, कुछ भी लोग कलर वलर कुछ नहीं करते क्योंकि जानते हो यार गवर्नमेंट का हाल, क्वार्टर्स का हाल, एंड
कितने लोग क्वार्टर्स में रहते हैं मेरे जैसे कमेंट करना। एंड राउरकेला का जो सारे सेक्टर्स एरिया है वहाँ पे भी क्वार्टर्स है, तो बहुत सारे लोग नो डाउट क्वार्टर्स में रहते होंगे। अब क्या करोगे, थोड़ा मतलब दो रूम है, किचन है, बाथरूम है, तो एडजस्ट हो जाते हैं। हम लोग तीन लोग ही है तो हो जाता है मैनेज। तो गाइस मैं फिर कभी आप लोगों के साथ मेरा गार्डन का टूर शेयर कर दूंगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं दिखाने के लिए, छोटा सा घर है हमारा एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर से देख लीजिए बैकग्राउंड, मुझे बहुत पसंद है मेरा ये घर। मैं आई नो मैं जब इसको छोड़ के हम लोग जब अपने घर चले जाएंगे मैं बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा मैंने अपना बचपन गुजारा है। आई नो बहुत मिस करने वाली हूँ। सो चलिए गाइस आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड गाइस बहुत जल्दी हम लोग 4K हिट करने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना एंड सपोर्ट करना ताकि हम लोग 4K में पहुँचें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।